तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि फोन पे से हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो पैसा है ना वह ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो हम कैसे यहाँ पे पैसे को अपने ट्रांसफ़र करेंगे, आई सी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को कर लेते हैं कंटिन्यू और प्रॉब्लम का पूरा सलूशन मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, समझेंगे कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फ़ोन पे एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारी फ़ोन पे एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो रही है और उसके बाद मैं पूरा प्रक्रिया आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वेट करना होगा। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे फ़ोन पे ऐप से कभी कभी सर्वर वाली प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, उसका सलूशन हम बहुत ही आसानी से आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हमारी फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है जैसा आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अपना इसको अनलॉक कर लेना है, यदि फिंगर लगाएं तो फिंगर और नहीं तो आप यहाँ पे अपना पैटर्न वगैरह डालकर अनलॉक कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप जैसे ही अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को अनलॉक करेंगे, पहले यहाँ पे माई मनी का ऑप्शन आता था, लेकिन फ़ोन पे एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, ठीक है। इस प्रोफाइल के आइकन पर आपको क्लिक करना है, आपके नाम का पहला अक्षर होगा या तो प्रोफाइल होगा, ठीक है ना। और फ़ोन पे एप्लीकेशन को ज़रूर गूगल प्ले स्टोर से आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है, जिस बैंक से आप पैसा भेज रहे हैं नहीं जा रहा, सिंपल मैं यूको बैंक से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो पैसा नहीं जा रहा, बार बार दिक्कत हो रही है। मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन यूको बैंक मैंने सेलेक्ट किया, जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके अनलिंक कर देंगे, ठीक है। देखिए लिंक हो चुका है यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट, सिंपल है। अब उसके बाद क्या करना है, फ़ोन पे एप्लीकेशन को ऐसे लॉन्ग प्रेस ऐसे दबा के रखना है, ठीक है। जैसे दबा के रखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप इन्फो या एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है और स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद नीचे क्लियर डेटा का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपल इस पर क्लिक करके और क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करके और ओके कर देना है। जैसे आप इतना कर देंगे उसके बाद वापस से आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको क्या करना है, आई मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले फ़ोन पे एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन कर लेना होगा, ठीक है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और दोबारा से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेस अपनाना है, आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है और उसके बाद अपना यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड यहाँ से डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे, लोडिंग योर फ़ोन पे अकाउंट इस तरह से लिख देगा और यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा, परमिशन वगैरह जो मांगे यहाँ से दे दीजिएगा ताकि अच्छे से काम करे, ठीक है। हम यहाँ से सारा कुछ अलाउ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपको क्या करना है, यहीं पर अपने प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका जो बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐड बैंक अकाउंट का, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको अपने बैंक का नाम चूज करना है, जैसे हमारा बैंक है यूको बैंक, तो सिंपल मैंने यूको सर्च किया, आ गया यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए लिंकिंग की प्रक्रिया चल रही है, लिंक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे और दोबारा से वापस आके पैसा भेजने का प्रयास मैं करता हूँ। मैं टू मोबाइल नंबर करता हूँ, किसी को पे करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यह मैं भी परेशान था, सर्वर की प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर अनलिंक कर दिया तो फिर से प्रोसेस सही हो गया। सिंपल है, इनके नंबर को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वन लिख के और यहाँ पे हम पेमेंट पे कंटिन्यू पे करके पे पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना UPI पिन भर देंगे और जैसे हम पिन भरेंगे तो हमारा यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, यदि पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आया करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।